सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। हिसार में खाकी को दागदार करने का मामला सामने आया। सदर थाने की महिला सब इंस्पेक्टर संतोष देवी पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा है। आरोप है कि संतोष देवी ने दुकानदार को झूठे केस में फंसाने का दबाव बनाकर अवैध वसूली कर रही थी। इस मामले में दुकानदार ने एसपी से शिकायत की। बाकायदा आरोपों को साबित करने के लिए उन्होंने बातचीत का एक वीडियो भी एसपी को सौंपा। इसके बाद एसआई को सस्पेंड कर दिया गया है। हिसार में एक बार फिर से खाकी दागदार हुई है। हिसार में महिला थाना की थाना प्रभारी सरोज के भ्रष्टाचार के बाद हिसार के सदर थाना की महिला सब इंस्पेक्टर संतोष देवी के भ्रष्टाचार का मामला सामने आ रहा है। दुकानदार को रेप केस में फंसाने का दबाव बनाकर महिला एसआई पर वसूली का आरोप है। रिश्वत लेने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। 3 महीने पहले आर्यनगर क्षेत्र की एक दुकान में रेप की वारदात सामने आई थी। दुकानदार किसी काम से बाहर गया था और जाने से पहले अपने दोस्त अशोक को दुकान बंद कर चाबी घर देकर जाने को कहा था। आरोप है कि अशोक ने मौके का फायदा उठाकर दुकान में एक महिला के साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस ने केस दर्ज करके महिला एसआई संतोष देवी को जांच सौंपी थी और आरोपी अशोक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। आरोप है कि महिला एसआई ने दुकानदार विनोद को केस में फंसाने का डर दिखाकर उससे 7,000 रुपए की मांग की। संतोष सब इंस्पेक्टर मेरी दुकान पे आई और बोली तेरी दुकान में रेप हुआ है, तो मैंने उसे हाथ जोड़े कहा दीदी इस बारे में मेरे को कुछ नहीं पता, ना तो मेरे को रेप का पता ना कोई बात, मैं तो काम करता हूँ मेरा टाइम पास करता हूँ। तो उनके तेरी दुकान में रेप हुआ है, तो मैंने कहा जी दीदी मैंने अशोक को चाबी दी थी, मेरे पड़ोसी को, मैं कहीं काम पे जा रहा था उसको चाबी घर देने के लिए बोला था और रात में उसने कोई गलत काम कर दिया, जिसमें मैं बोल नहीं हूँ, ना ही मेरे को इस बारे में पता, ना ही मैं किस लड़के को लड़की को जानता हूँ, या लड़की से पूछ लो। तो उसने मेरे को थाने में बुलाया, थाने में बुला के मेरे को बड़ा बुला कहा उसने। विनोद ने आरोप लगाया कि इस मामले को निपटाने के लिए 7,000 रुपए के लेन देन का सौदा तय हुआ, जिसमें 4,000 रुपए जांच अधिकारी को दे दिए गए और 3,000 रुपए बकाया थे। वो रुपए देने के लिए सदर थाने में गया और 1,200 रुपए दे दिए। विनोद ने रिश्वत देने और एसआई की बातचीत का वीडियो भी शूट कर लिया। दीदी मेरे को इस बारे में कोई पता नहीं है, मेरे को इस केस में निकाल दो, मेरे को इस केस में मत घसीटो। तो उसने मेरे से 20,000 रुपए की डिमांड करी। 20,000 रुपए डिमांड के बाद हमारे 7,000 में सौदा तय हो गए। तय होने के बाद में मैंने अगले रोज उसको 4,000 रुपये दे आया थाने के अंदर 4,000 रुपये दे दिए। फिर उसने मेरे को दिलासा दिया कि तेरे को अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं बैठी हूँ, कोई दिक्कत आएगी तो मैं अपने आप सुलटूंगी, तेरे को कोई दिक्कत नहीं आने दूंगी। वो ठीक है जी, उसके 7,000 रुपये में 4,000 रुपये 3,000 रुपये बाकी थे। अभी हफ्ता भर पहले ही संतोष इंस्पेक्टर के मेरे पास काफ़ी बार फोन आने लग रहे थे वो बाकी पैसों के लिए, तो मैंने उससे 3-4 दिन तो गोलीबाजी करता रहा, काम धंधा था नहीं, मैं तो पैसे बने को नहीं। पैसे बढ़ने बाद मेरे पास 1,500 रुपये 300 रुपये तो मेरे से खर्च हो गए और 1,200 रुपये मैं थाने में लेके गया और उनको 1,200 रुपये देते हैं, मैंने वीडियो बना ली। इस मामले में आर्यनगर निवासी दुकानदार विनोद ने एसपी मनीषा चौधरी को शिकायत की और एसआई की बनाई वीडियो भी दिखाई। पुलिस ने दुकानदार की शिकायत पर संतोष देवी के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। वीडियो बनाने के बाद में मैं विजिलेंस ऑफिस में भी शिकायत दे दी और एसपी ऑफिस में भी शिकायत दी। विजिलेंस में तो भी कोई शिकायत कार्रवाई की नहीं, एसपी ऑफिस में पर्चा दर्ज कर दिया। वहीं जांच के बाद पुलिस ने एसआई को सस्पेंड कर दिया और उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है। सदर थाना हिसार में सब इंस्पेक्टर संतोष थी, जिसकी एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी। जब हमारे संज्ञान में वो वीडियो आई तो उसकी जांच करवाई गई और जांच के उपरांत करप्शन एक्ट के तहत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही जो सब इंस्पेक्टर संतोष है वो गैर हाजिर चल रही है और इसलिए कल उसको सस्पेंड भी कर दिया गया। देखिए, सदर थाना हिसार में ये पर्चा दर्ज है और उसने जो आरोप लगाए हैं वो ये है कि एक जाँच के संबंध में उसने उससे पैसे की डिमांड की, जो उस वीडियो में बात करते हुए वो चीज़ दिखाई दे रही है। आगे की जांच जारी और जैसी भी कार्रवाई होगी जो भी उचित वो अमल में लाई जाएगी। दुकानदार विनोद ने अब जल्द से जल्द एसआई की गिरफ्तारी की मांग की है। मेरी मांग ये है जी, उसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए और मेरे साथ ऊपर दबाव बना हुआ है, मेरे को बहुत धमकियां मिल रही है, घर से बाहर निकलना मेरे से मौत हो रहा है,
कहीं काम धंधा कुछ नहीं कर सकता, उसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी किया जाए। इस मामले को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर पुलिस इस तरह से लोगों को डर दिखाकर रिश्वतखोरी का खेल खेलेगी तो लोगों को इंसाफ कैसे मिलेगा। हिसार से संदीप सैनी की रिपोर्ट, MH1 न्यूज़।